महामारी की वजह से आज लाखों लोग बेबस और मजबूर हैं, जिनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। हजारों श्रमिक मजदूर भूखे प्यासे पलायन को मजबूर हो गए हैं। सरकार सिर्फ जुमलेबाजी कर देश को गुमराह कर रही है। आइए हम सब स्पीक अप इंडिया के जरिए उनकी आवाज़ बने जिनकी कोई नहीं सुन रहा है। महगामा के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, महागठबंधन के साथियों और आम जनता से मेरा निवेदन होगा कि देश में आज ऐसी कई आवाजें हैं जो जिसकी अनसुनी की जा रही है। उन आवाजों को उठाने के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने अपील किया है कि आज 11 बजे से 2 बजे तक सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर हम सब आकर के उन लोगों की आवाज बने जिनकी कोई नहीं सुनता है। कांग्रेस हमेशा से उन लोगों की आवाज बनती रही है और उन लोगों की आवाज को मजबूती देने का काम किया है, बुलंद करने का काम किया है जिनकी कोई नहीं सुनता। आज देश में कोरोना की महामारी की लड़ाई में आज हमारे मजदूर साथियों को, किसान भाइयों को, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं या छोटे व्यवसायी हैं, उनकी आवाज, उनके दर्द को बुलंद करने की जरूरत है। आइए हम सब मिलकर के कोरोना की इस महामारी की लड़ाई में वैसे लोगों की आवाज को बुलंद करें जिनकी आवाज को सरकार अनसुनी कर रही है। जो मांगे हैं उनको लेकर के हम लोग आज 11 बजे से 2 बजे तक इस मुहिम में शामिल हों, ऐसा हम प्रण करें। आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन है कि उन लोगों की आवाज बने जिनकी कोई नहीं सुनता। झारखंड प्रदेश महिला मोर्चा के द्वारा खिजरी मंडल में लोगों के बीच काढ़ा, मास्क एवं भोजन का वितरण किया गया, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष आरती सिंह उपस्थित रहीं। हिरनपुर हटिया में एक नंबर गली में लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है एवं सोशल डिस्टेंस का भी पालन नहीं किया जा रहा है, ना ही मास्क का यूज हो रहा है। प्रशासन मौन है। उप विकास आयुक्त श्री सुनील कुमार द्वारा बोआरडी जोर प्रखंड के दलदली गोपालपुर पंचायत के सुदूरवर्ती गांव लकराकोल गोरंतिया में बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत क्रियान्वित बागवानी योजना का निरीक्षण किया गया। इस मौके पर उप विकास आयुक्त श्री सुनील कुमार के साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी बीवारी जोर श्री सोमनाथ बनर्जी भी मौजूद रहे। काला बाजार की रोकथाम के लिए जमनी पहाड़पुर में हुआ कीटनाशी छिड़काव। गोड्डा वेक्टर जनित रोगों के उन्मूलन हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा कीटनाशी छिड़काव प्रथम चक्र के अंतर्गत मंगलवार एवं बुधवार को गोड्डा सदर प्रखंड के जमनी पहाड़पुर गांव में कीटनाशी छिड़काव किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सदर प्रखंड गोड्डा KTS ने छिड़काव कार्य का पर्यवेक्षण किया। जल जीवन हरियाली के तहत तालाब की खुदाई की जा रही है। लघु सिंचाई विभाग द्वारा तालाब की जीर्णोद्धार होना है। गिरते जल स्तर को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार की अति महत्वपूर्ण योजना है, लेकिन सनहोला प्रखंड में इस योजना में मनमानी की शिकायतें मिल रही हैं। ताज़ा मामला सनहोला प्रखंड स्थित अरार पंचायत के उचड़िया गांव के समीप पीर बाबा स्थान के पास जल जीवन हरियाली योजना के तहत तालाब की हो रही है खुदाई हो रही है, जिसमें कि संवेदक द्वारा तालाब की खुदाई में भारी अनियमितता की जा रही है। काम करा रहे हैं मुंशी शंभू सिंह द्वारा तालाब की मिट्टी काटकर, JCB द्वारा ट्रैक्टर पर लोड कर मिट्टी तालाब के चारों ओर नहीं फेंक कर ग्रामीणों से पैसे लेकर मिट्टी को बेच रहे हैं। पैसों लेता है नहीं, ऐसे फ्री में देता मिट्टी। ये गिराने कहाँ जा रहा है? चौथे में गिरा रहा है। चौथे में कहाँ, किसके क्या नाम है? इसके यहाँ गिरा रहे। तुम्हारा नाम क्या हुआ? मेरा नाम अरुण। क्या गिराए हैं? 50 गाड़ी। पैसा दे दिए सर? हाँ, 800 बंकी जो मंगीर लगी।
कौन मांग रहा है? वही पोखर के खटाई जी। अच्छा अच्छा ठीक, क्या नाम हुआ? राजेंद्र मंडल। 30 गाड़ी। एक गाड़ी का कितना कैसे गाड़ी दिया? 140 रुपया गाड़ी। 140 रुपया गाड़ी। हाँ। पैसा किसको दिए? मुंशी को दिए। हाँ। जो मुंशी खनवा रहा है उसको दिए हम। ठीक।